of Pakistan and India. Broadcast speech from All India Radio. The Qaid Azam said, देश की तकसीम के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुहाजिरों का आना जाना अभी भी जारी है। फसाद की वजह से बेइंतहा लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, पर मजहबी दंगों की वजह से जुल्मों सितम का सिलसिला मुसलसल जारी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हुकूमतें अपने आवाम से अमन व कानून बरकरार रखने की अपील कर रही हैं। वो लिया जी। खुदा करे काफिला आने से पहले ये लोग लौट आए। या अल्लाह, इतनी आसानी से कह दिया कि जो जरूरी सामान हो वो रख लेना। अब इन्हें कौन समझाए कि घर का हर छोटे से छोटा सामान जरूरी होता है। अब तू चुपचाप क्यों खड़ी है, हाथ जल्दी जल्दी चला। ओ, एक तो समझ नहीं आता कि क्या रखें और क्या छोड़ें। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ वो भी ले आ। जी। बड़े अबू पानी, अब्बा का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, सब तरफ देखा है, सारा गांव सूना पड़ा है। काफले का पता लेने गया था हामिद, अभी तक नहीं लौटा। चारों तरफ लाशों के अंबार लगे हैं, ऐसा लगता है इंसानियत कहीं मर गई है। सामान बांध लिया है? जी। काफला आने में अभी देर है, हो सकता है तब तक हामिद भी लौट आए। या मेरे परवरदिगार,
रहम कर, रहम कर। बड़े अब्बू, ये मुझे दे दो। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਦਵਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੇ ਖੇਡਣੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।